नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच आप सभी ने बगावत देखी एक नाथ शिंदे की, लेकिन वो बगावत अभी तक बात करें तो बगावत सीमित थी दफ्तरों के अंदर तक की, लेकिन अब बात जमीनी स्तर पर आ चुकी है और यहाँ पर दही हांडी के उत्सव के दौरान आपस में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे उद्धव गुट और शिंदे गुट। जी हाँ, दोनों ही अपने आप को शिवसेना साबित कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में अभी भी चल रही है। शिवसेना असल मायने में है किसकी? लेकिन इस बीच कृष्ण जन्माष्टमी का यहाँ पर बहुत ही पावन एक पर्व है, तो इस बीच दही हांडी का उत्सव महाराष्ट्र यानी मुंबई में धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों के इनाम रखे जाते हैं दही हांडी फोड़ने पर। तो इस बीच यहाँ पर श्रीकांत शिंदे, जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उन्होंने कई बड़े ऐलान करे हैं और वो ऐलान सुनकर हर कोई दंग है। और इस बीच उद्धव ठाकरे और शिंदे ठाकरे का जो गुट है, दोनों ही शक्ति प्रदर्शन करता नजर आएगा इस दही हांडी उत्सव को लेकर। आपको खास जानकारी देते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से, जिसमें आप सारी जानकारी पाएंगे कि श्रीकांत शिंदे जो हैं, उन्होंने किस तरीके से तमाम बातें रखी और तमाम बड़े ऐलान किए हैं, और वो ऐलान सुनकर आप सब भी दंग जरूर होंगे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शुक्रवार यानी कल के दिन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना गुट और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना गुट की ओर से दही हांडी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में दोनों के समर्थक शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार दिख रहे हैं। दोनों ही पक्षों के समर्थक दही हांडी के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। यानी अभी तक विधायकों की भीड़ मायने रखती थी, लेकिन अब जनता की भीड़। ज्ञात हो कि दही हांडी के तहत हवा में लटके दही या छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। रंग बिरंगी पोशाक पहने गोविंदा इसके लिए मानव पिरामिड बनाते हैं। इस पिरामिड पर चढ़कर एक युवक मटकी फोड़ता है। इस साल शिंदे के समर्थक तेंबी नामक में दही हांडी रख रहे हैं, जबकि थाने से सांसद राजन विचारे का प्रतिद्वंदी खेमा थाने शहर में के जंबली नाका में करीब 200 मीटर दूर इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। दोनों पक्ष शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे और दिवंगत नेता आनंद दिघे के नाम पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिन्हें शिंदे अपना गुरु मानते हैं। कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे मुख्यमंत्री के बेटे हैं। उन्होंने और थाने के पूर्व महापौर नरेश महस्के ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि उनकी दही हांडी सम्मान को दर्शाती है। दूसरी ओर विचारे ने कहा कि उनकी हांडी वफादारी, एकता, संस्कृति और हिंदुत्व की आवाज को दर्शाती है। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए शहर की पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। श्रीकांत शिंदे और महस्के ने कहा कि ठाणे और मुंबई में होने वाले आयोजन की विजेता टीम को 2.5 लाख यानी 2,51,000 रुपए मिलेंगे। सांसद ने यह भी कहा कि वे दही हांडी का साहसिक खेल श्रेणी में शामिल कराने के लिए प्रयास करेंगे। विचारे ने कहा कि विजेता टीम को उनके कार्यक्रम में 1,11,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा रस्सियों की व्यवस्था की जाएगी, डॉक्टर मौके पर तैयार रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिभागियों के अलावा दर्शकों का भी बीमा किया जाएगा। स्थानीय संस्था स्वामी प्रतिष्ठान एक और दही हांडी का आयोजन कर रहा है, जिसकी कुल पुरस्कार राशि 51 लाख रुपए है, जिसमें विजेता टीम के लिए 11 लाख रुपए शामिल किए जाएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने द्वारा आयोजित दही हांडी कार्यक्रम के लिए कुल 55 लाख रुपए पुरस्कार की राशि की घोषणा की है और विजेता टीम को स्पेन जाने का मौका भी मिल सकता है। ठाणे से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के एक संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले एक और दही हांडी कार्यक्रम में कुल 21 लाख रुपए की पुरस्कार राशि का यहां पर बड़ा ऐलान किया है। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान किया। दूसरी तरफ राज ठाकरे की पार्टी मनसे पार्टी ने भी बड़ा ऐलान किया और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी बड़ा ऐलान किया। सभी ने बड़ा ऐलान दही हांडी के इस शुभ अवसर पर कर रखा है, लेकिन बाजी कौन मारता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। जनता का दिल कौन जीत पाता है? अभी तक बात थी विधायकों की, विधायकों के समर्थन की, लेकिन अब बात आती है जनमत की। और यही सारी बातें बीएमसी चुनाव पर जनता ध्यान जरूर रखेगी। इसी वजह से जो होने वाले चुनाव है अक्टूबर के महीने में, उसको ध्यान में रखकर जनता के बीच ये सारे बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट, जहां पर उद्धव गुट, शिंदे गुट और राज ठाकरे का गुट आपस में ही तीनों गुट आमने सामने हैं, लेकिन बाजी कौन मारेगा ये देखना खासा दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।